पीछे से ही हमारे कल्चर में से ही मिली गई हैं रेमेडीज़। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को जॉन्डिस होता है सुबह के टाइम पे, उसको बोलते हैं अभी 5 बजे तक का, 5 से 6 बजे का जो सूरज होता है उसमें, उसको बच्चे को लेके जाओगे तो उसका जॉन्डिस ठीक हो जाता है, वो भी एक रेमेडीज है। और मोस्टली लेडीज़ शाम को या दोपहर के टाइम पे, आपने देखा होगा जब अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड बढ़ जाता है 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, तो यूवी क्रीम लगा के बाहर निकलती हैं। तो इस तरह रेमेडीज़ हमें शुरू से मिली गई हैं। जैसे कोई किसी को कोई नज़र लगती है तो उसके लिए हम नज़र उतारने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं या राई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फिट की गई हैं। तो इसी तरह ये 3D रेमेडीज़ ये वर्क करती हैं। जैसे ये ईगल है, ईगल अगर आप नॉर्थ ईस्ट पे लगाओगे तो आपके जितने भी विजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। N8 के ऊपर आपके पास शक्ति चक्रा है, आई थिंक उसमें आप देख सकते हैं N8। वहां पे अगर आप ईगल लगाते हो तो आपके विजन्स क्लियर हो जाते हैं। ये ईगल का काम है। उसके बाद हम बात करें इंद्र की, E4 के ऊपर, E4 के ऊपर अगर हम इंद्र लगाते हैं तो हमारे सोशल कनेक्शन है वो बढ़ जाते हैं। कनेक्शंस में हमारे बदलाव होता है, नए कनेक्शन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और कई लोगों को ये देखा गया है साउथ वेस्ट में भी इंदर लगाने से उनके जो रिलेशंस हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं साउथ वेस्ट के ऊपर। नॉर्मली होंगे सर, एक्स्ट्रा के लिए तो पहले ही आपको पता होगा। तो फिर ये नंदी बैल, जैसे किसी की स्टेबिलिटी ना हो रही हो काम में, बिजनेस में डेवलप नहीं हो पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, अगर ये साउथ वेस्ट में नंदी ज़मीन के ऊपर रखते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमारे को वो देता है ज़मीन पे रखने। ये बड़ा छोटा सा डियर आप देख सकते हो, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा, हम लोग मेडिकल वास्तु करते हैं, जो आज की डेट में हमारे सर गंगाराम के दिल्ली में ही डॉक्टर हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, जैसे IC वर्मा जेनेटिकल डिसऑर्डर के डॉक्टर्स हैं, या डॉक्टर सबरवाला हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग घर देख के ही देखते हैं भी बीमारी कौन सी कहाँ से आती है। डियर नॉर्मली सभी बोलते हैं, पर डियर ही क्यों, ये कभी आपने सोचा? आप नॉर्मली देखोगे एक ब्रेन के फ्रंट का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो डोपामाइन नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है हमारे स्पाइन में। जूस टाइम पे जो भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमें अच्छी लगती है, उसमें एंटरटेनमेंट फील होता है हमें, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे मोबाइल यूज़ करना, आजकल बच्चे बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करना है ना, और किसी भी तरह का ब्रह्मचर्या का पालन ना करना। पहले ज़माने में ऋषि मुनियों ने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सेव करने के लिए 25 साल तक वो जनेऊ डलवाते थे, बिकॉज 25 साल तक आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, तो वो रीजन था। इसलिए अगर जिस बंदे के WNW में डिस्टरबेंस होगी, वो अपना कोई ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएगा, तो वहां पे या तो डियर लगाएंगे या ध्यान करते हुए की कोई पिक्चर लगाएंगे, तो उससे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है,
तो हम एडिक्शंस के मामले में बाहर आ जाते हैं। तो ये काम करता है। चलिए, वैसे एक हमने ये, मैं आपको पिक्चर के बारे में पहले बता देता हूँ, इट्स अ लैब्रंथ। ये हिब्रू और कबाला में यूज़ किया जाता है। हिब्रू आपको शायद पता हो, इज़राइल में हिब्रू संस्था चलती है, हिब्रू का ग्रंथ चलता है और कबाला का ग्रंथ चलता है, ये वहाँ से आया है। पर अगर आपको उसको ध्यान से देखोगे, आपको एक चीज़ ध्यान में आएगी, एक महाभारत में चक्रव्यूह का संरचना हुई थी, ये महाभारत का उसी संरचना चक्रव्यूह इसको कहलाते हैं, एक तरह की ये भूल भुलैया है। फॉरेन में ये डॉक्टर्स इनके ऊपर चलवाते हैं, अभी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। ऐसे हमारे प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं। ये प्रोडक्ट में खासियत यह है, जब किसी को कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, किसी भी तरह की कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, इसको अपने पॉकेट में रखने मात्र से ही वो प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट हो जाती है। ऐसी हमारे कई सारे केसों में देखा गया है। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। अगर इसका जिक्र आपको देखना चाहे, मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उनके ऊपर भी इनका चित्र अंकित किया गया है। वरुण जी, एक नेक्स्ट पिक्चर और, ये देखिए, इट्स अ लैब्रंथ। ये बहुत हजारों साल पहले ये संस्था या ये जो सभ्यता, आप डिस्कवरी में इसके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, यूरोप में ये बहुत एकड़ों में, हजारों एकड़ों में ये लैब्रंथ बना हुआ है पत्थरों के साथ। नहीं, ये उस पर्पस के लिए नहीं होता, ये पर्पस होता है जैसे किसी को पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कईयों के हाथ पैर पकड़े जाते हैं रात को, या किसी भी तरह की नेगेटिविटी उनके मन में होती है पैरानॉर्मल को लेके, जैसे जादू टूना टाइप लाइक ना, उन चीज़ों को ये 100% ख़त्म कर देता है, और वेरी फर्स्ट डे एंड वेरी फर्स्ट आवर, ऐसा हमारा मन। और ये लाखों केसों में स्टडी किया जा चुका है, मैंने अपने केसों में लगभग 3000 के ऊपर के केस मैंने ये स्टडी किए हुए हैं। ऐसा ही एक और प्रोडक्ट, इट्स अ ट्री ऑफ लाइफ। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके तीन पांटों में बटा हुआ है, जैसे राणा जी ने बताया अभी, रजस सत्व और तमस, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। पर आपको पता है रजस किसको कहते हैं, किस कौन सा पार्ट है जो रजस में आएगा? इट्स अ सॉरी, चलिए मैं बताता हूं आपको, इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी। सिर से लेके गर्दन का हिस्सा इसमें कवर होता है। अगर आपको पता हो, ब्रह्मा जी रजस गुण से संबंधित थे और उन्होंने 4 वेद लिखे, तो ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम लोग चलते हैं। और जो गर्दन से लेके नाभि तक का हिस्सा है वो ग्लोबल एनर्जी, और जो नाभि से लेके पैरों तक का हिस्सा है वो टेरालिक एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपके अभी किसी को पेन हो रहा हो, मैं ये आपको थोड़ी देर के लिए दे देता हूँ, 10-15 मिनट के लिए, आप 15 मिनट बाद देखोगे अपने पेन में रिलीफ मिलोगे। अगर है किसी के तो आप देख सकते हो, इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, टेरालिक एनर्जी। मैं आपको अभी पूरा सेटअप भी दिखा देता हूँ उसका, थोड़ी देर में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंबल कबाला का है, इट्स अ कॉस्मिक सिंबल्स, राइट। इससे किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी, जैसे आप किसी के वास्तु करने जाते हो,
या किसी के आप घर पे जाते हो जहाँ आपको पता नहीं है, किसी की आध्यात्मिक एनर्जी होती है या किसी की पैरानॉर्मल वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है या वहाँ पे जियोपैथी स्ट्रेस होता है, ये उस चीज़ को निकाल देता है। पर जब आप ये अपने पास रखते हो, आपकी अगर एनर्जी किसी डिजीज़ की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से गिर जाती है, जैसे 3,000 4,000 तक आ जाती है, जैसे ही इसको आप अपनी पॉकेट में कैरी करते हो या अपने हाथ में कैरी करते हो, तो आपकी एनर्जी बढ़ के 7,000 8,000 हो जाती है, और जिससे आपके बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो रीसेल रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। पेंडेंट के ऊपर अगर इसको आप यूज़ करोगे तो थोड़ा सा उसका पावर कम हो जाता है ना। अगर इसको आप इसी तरह अपने बैग में कैरी कर लो, अपने पॉकेट में कैरी कर लो, तो ये पूरा वर्क करता है। सॉरी, देखिए बहुत सारे लोगों ने बोला गया है साउथ साउथ ईस्ट के ऊपर लॉयन लगाने से पावर एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर हमने बहुत सारे केसेस में ट्राई किया है, आई थिंक स्वामी जी ने भी ट्राई किया है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर लॉयन लगाने से आपकी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और जिसको नाक की प्रॉब्लम, नाक में कहीं ना नोज ब्लीडिंग होती है कई बच्चों को, तो नोज ब्लीडिंग में ये बहुत बढ़िया काम करता है, नोज ब्लीडिंग इमीजिएटली रुक जाती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE, हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम्स, उसको बूस्ट अप करता है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट किडनी का कारक है, बट आपको पता है किडनी सबसे पहला बड़ा संकेत क्या देती है? आपके कान खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपके कान आपकी किडनी का गेट है,